हेलो फ्रेंड्स, योगीराज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ PNB NEFT कैसे करते हैं और इसके क्या चार्जेस हैं। और यदि आपको इससे कोई भी जुड़ी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं PNEFT कैसे करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम में जाना है। जैसे आप गूगल क्रोम में सर्च करेंगे PNB नेट बैंकिंग, तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा और PNB नेट बैंकिंग पे क्लिक कर देना है, पंजाब नेशनल बैंक पे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, सॉरी फ्रेंड, मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, बट मैं आपको बता दूंगा कि NFT कैसी होती है। तो कुछ इस तरह का पेज होगा, यहाँ कॉर्नर पे लॉगिन है, उस पर आपको रिटेलर इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जिस पे आपको अपनी कस्टमर आईडी डालनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको यूज़र आईडी मांगेगा, जो कि आपकी खुद की यूज़र आईडी होगी। यहाँ पे आपको अपनी यूज़र आईडी डाल देनी है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। मैं अपनी आईडी लॉगिन करके आपको NEFT करके दिखाऊंगा। तो ये मेरी यूज़र आईडी, मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे पासवर्ड, जो कि आपको अपना ही पासवर्ड डालना है, जो आपकी नेट बैंकिंग का पासवर्ड है। तो मैंने अपना पासवर्ड लॉगिन कर दिया है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा। तो ये देखिए, मेरी बैंकिंग खुल गई है। तो NEFT करने से पहले ध्यान रखें, सबसे पहले होता है बेनिफिशरी। बेनिफिशरी बनाना ना भूलें। तो ट्रांजैक्शन में जाना है, मैनेज बेनिफिशरी में जाना है। तो बेनिफिशरी में जाने के बाद यहाँ पर आपको बैंक सेलेक्ट करना है, जिस भी बैंक की। यदि आपकी अदर बैंक की है तो अदर बैंक सेलेक्ट कर लेना है और ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे मांगेगा नेम, निक नेम। दोस्तों याद रहे, बैंक हमेशा अकाउंट नंबर वैलिड करती है, नाम चाहे आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ट्रिपल एस कम्युनिकेशन। तो जैसे यहाँ पे आप अपना, जिसके भी अकाउंट का आप बेनिफिशरी बना रहे हैं, उसका अकाउंट ज़रूर डालें। और जैसे आप उसमें अकाउंट नेम होल्डर जो होता है, जो नेम होल्डर होता है, वो नेम होल्डर डालें। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर नेम होल्डर डाल रहा हूँ SSS कम्युनिकेशन। SSS कम्युनिकेशन, नीचे निक नेम। तो मैं नीचे निक नेम देता हूँ SSS। मैंने निक नेम दे दिया। यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे मैं आपको जिसकी भी बेनिफिशरी बनानी है वो अकाउंट नंबर डालना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं डाल रहा हूँ। इसी तरह आपको कंफर्म अकाउंट नंबर डालना है। और यहाँ पे IFC कोड, जो बैंक का ब्रांच कोड होता है, IFC ब्रांच कोड, वो डालना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं डाल रहा हूँ। और लॉकअप कर देना है। जैसे ही आप लॉकअप करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट नंबर दिखा देगा, जिस जो भी अकाउंट होल्डर नेम होगा। तो देखिए यहाँ पे नीचे आ गया है कम्युनिकेशन बैंक बुलंदशहर इंडिया। और यहाँ पे आपको डाल देना है
एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस हो, यहाँ पे डाल देना है लिमिट। आप कितनी लिमिट रखना चाहेंगे NEFT की, एक दिन में कितनी लिमिट? तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 30,000। आप 1 लाख से 5 लाख तक भी रख सकते हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांजेक्शन, यानी आप पर डे में कितना ट्रांजेक्शन करना है, तो मैं 3 कर देता हूँ और आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता हूँ, वो कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, तो जैसे ही कंटिन्यू करा तो देखिए फ्रेंड्स, ये बोल रहा है कि मैंने ये निकनेम पहले दिया हुआ है, तो मुझे अपना निकनेम अकाउंट नंबर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये अकाउंट नंबर शायद मुझसे गलत डल गया है, मेरा अकाउंट नंबर मैच नहीं किया है। तो मैं फिर से एक बार अकाउंट नंबर डालता हूँ, बोल रहा है निकनेम ऑलरेडी यूज़। तो फ्रेंड्स, मुझे निकनेम भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस निकनेम से पहले आईडी बना रखी है, तो मैं निकनेम भी चेंज कर देता हूँ। अब कंटिन्यू करके देखते हैं। तो देखिए, सॉरी, अब भी प्रॉब्लम, अकाउंट नंबर मैच नहीं करा है मेरा। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें, आपका अकाउंट नंबर मैच करना चाहिए। देखिए कंफर्म, मेरी बेनिफिशियरी कंफर्म हो चुकी है। यहाँ पे मांग रहा है ट्रांजैक्शन पासवर्ड, तो जो कि आपको अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है, जो भी आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड होगा। तो मैं ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। तो देखिए, ये बोल रहा है मेरी बेनिफिशियरी कंप्लीट हो गई है। अब इस बेनिफिशियरी को कंफर्म करने के लिए एक OTP आएगा, तो कंफर्म बेनिफिशियरी करते हैं। चलिए कंफर्म बेनिफिशियरी पे क्लिक करते हैं। तो ये यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, तो आपके नंबर पे वन टाइम पासवर्ड जाएगा, जिसे बोलते हैं OTP, और वो यहाँ पे आपको डाल देना है। देखिए, मैं अपना पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड डाल रहा हूँ यहाँ पे, और सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपकी बेनिफिशियरी कंप्लीट हो जाएगी। बेनिफिशियरी कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ कि NEFT बनने के बाद पैसे कैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो चलिए फिर से आपको वही सेम प्रोसेस है, ट्रांजेक्शन में जाना है, NEFT पे क्लिक करना है, और हमने जो बेनिफिशियरी बनाई थी वो यहाँ पे आ गई है। देखिए, मैंने बनाई थी SSS.com से, तो इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे अमाउंट भर देना है। जैसे कि मैं सेंड कर रहा हूँ 10,000, तो चलिए मैं यहाँ पे 10,000 डाल देता हूँ, मैक्सिमम अमाउंट। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, अर्जेंट या कुछ भी। मैंने अर्जेंट दिया है, क्योंकि मुझे अर्जेंट भेजने हैं। कंफर्म कर देता हूँ। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल देता हूँ। देखिए, मैंने अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल दिया है और सबमिट कर दिया है। तो देखिए, यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं, NEFT हो गई है। तो दोस्तों, इसी तरह आप भी मोबाइल से NEFT कर सकते हैं। तो डिजिटल इंडिया का हिस्सा बनिए। और देखिए, मेरे को मैसेज आ गया चार्जेस कटने का। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। और यदि आपको कोई भी PNB नेट बैंकिंग की प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट